नमस्कार, ये है ईटीवी भारत, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। यूपी के कासगंज में शनिवार को बड़ा हादसा, यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से अब तक 23 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रॉली में 40 लोग सवार थे। यूपी पुलिस ने भर्ती परीक्षा की रद्द, पेपर वाले दिन से ही लगातार छात्र पेपर लीक होने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब 6 महीने में फिर से परीक्षाएं होंगी। आप और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा शनिवार को फाइनल हो गया है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ सीट के लिए सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल हो गया। सीट शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस, जबकि एक सीट कुरुक्षेत्र पर आप चुनाव लड़ेगी। वहीं चंडीगढ़ से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव मंगलवार 27 फरवरी को होंगे। किसानों ने दिल्ली कूच के कार्यक्रम को 29 फरवरी तक टाला। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बैन आज रात तक के लिए बढ़ा दिया गया है। करनाल में मुख्यमंत्री ने हरियाणा को 170 करोड़ रुपए की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फेज 2 निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। हरियाणा के पंचकुला में फिल्म महोत्सव की शुरुआत। महोत्सव में फिल्मों के प्रदर्शन के साथ मास्टर क्लास के अभिनय, निर्देशन और प्रोडक्शन के गुर सिखाए गए। डेविड वॉर्नर चोट के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 मैच से हुए बाहर। इसके अलावा उनके IPL खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। गुजरात के द्वारका में मुख्यमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सुदर्शन सेतु को रविवार को देश को समर्पित कर दिया जाएगा। इसे देश का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज कहा जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।